अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरे जेतान विधानसभा क्षेत्र की गंभीर पेयजल समस्या के बारे में बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी राजस्थान सरकार ने बजट वर्ष जो 2023-24 से घोषणा की, उसके पैरा नंबर 106 से 112 में पेयजल के बारे में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है, घोषणा की है। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय निवेदन करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र जेतारण के घोड़ावड़, दयालपुरा, बातूस, जुजंडा, सिंडला, कोटकाना, कालाकोट, ये ऐसे गांव है जहां पानी की समुचित पेयजल व्यवस्था नहीं है। और घोड़ावड़ एक ऐसा गांव है माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां 3 से 4 हजार की आबादी और पिछले 25 वर्षों से वहां किसी प्रकार की पाइपलाइन से पेयजल की सुविधा नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। वहां मजबूरी के अंदर ग्रामवासी जो है एक महीने के अंदर 3 से 4 टैंकर पानी के डलवाते हैं। एक टैंकर का पैसा कम से कम 700 से 800 रुपए में आता है, तो एक महीने के अंदर आप कल्पना करें कि 3 से 3,500 रुपए अगर टैंकर पे खर्च करेंगे तो कैसे होगा। इसका समाधान के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि पड़ोस बलाड़ा गांव में वहां पानी की सुविधा है, उसके पड़ोस में बांजागुड़ी है वहां सुविधा है, अगर वहां पाइपलाइन के माध्यम से उनको जोड़ दिया जाए तो घोड़ावट जैसा जो बड़ा कस्बा है, जो गांव है, ग्राम पंचायत मुख्यालय है, वहां पानी की समस्या हो जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इस गंभीर विषय पर तुरंत एक्शन लेकर घोड़ावट ग्राम पंचायत और दयालपुरा जैसे जो गांव है वहां पानी की सुचारू व्यवस्था कराएं, ताकि जो गर्मी के मौसम में परेशानी होगी उसे निजात मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नारायण बेनीवाल।